अपने दुश्मनों का दी एंड करने के लिए इसराइल की सेना हर मोर्चे पर अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटी है। सीरिया भी एक ऐसा ही मोर्चा है जो इसराइल के लिए मुश्किलें खड़ी करता रहा है। यही वजह है कि IDF की बारूदी ब्रिगेड ने सीरिया की तरफ भी अपनी मिसाइलों और रॉकेटों का मुंह मोड़ दिया है। सीरिया की राजधानी पर इजराइल का हमला। दमिश्क में बरसा इजराइल का बारूद। एयर स्ट्राइक से 7 नागरिकों की मौत का दावा। इजराइल की सेना अपने दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म कर रही है। अब खबर आ रही है कि इजराइल एयरफोर्स ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक जबरदस्त हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि यह हमला उस इमारत पर किया गया जहां हिजबुल्ला के कुख्यात कमांडर होने की खबर थी। ये इमारत दमिश्क में ईरानी दूतावास के पास है। खबर है कि इस इमारत में हिजबुल्ला के उस कमांडर को टारगेट किया गया जिस पर हथियारों की तस्करी में शामिल होने का आरोप था। लेकिन सीरिया की न्यूज एजेंसी का दावा है कि इसराइल के रॉकेट हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कुल 7 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इसराइल की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि दुश्मन को टारगेट करके ये हवाई हमला किया गया। एक इसराइल और बेशुमार दुश्मन। इसराइल चारों तरफ से दुश्मन मुल्कों से घिरा हुआ है। कभी उस पर हुती विद्रोही हमला करते हैं, कभी हिजबुल्ला हमला करता है, कभी ईरान बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ता है, तो कभी गजा पट्टी और वेस्ट बैंक से उसकी तरफ रॉकेट के हमले होते हैं। यही वजह है कि IDF को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है और IDF एक एक कर इन दुश्मन मुल्क के हमलों का बखूबी जवाब दे रहा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन से फ्रंट हैं जो इसराइल को उकसाने में जुटे। गाजा पट्टी, यहाँ हमास से इसराइल की जंग चल रही है। वेस्ट बैंक, यहाँ भी हमास और हिजबुल्ला की तरह मिलिशिया ग्रुप हैं। लेबनान, यहाँ से भी हिजबुल्ला के लड़ाके इसराइल को टारगेट करते हैं। बहरीन, यहाँ अल अश्तार ब्रिगेड इसराइल के लिए मुसीबत खड़ी करती है। यमन, यहाँ हूथी विद्रोहियों से इसराइल का सामना होता है। सीरिया, यहाँ फातिमियो ब्रिगेड इसराइल के खिलाफ एक्टिव रहती है। इराक, यहाँ पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस नाम के संगठन के अलावा भी कई चरमपंथी संगठन हैं। ये संगठन लगातार इसराइल के खिलाफ मोर्चाबंदी में जुटे रहते हैं। यही वजह है कि इसराइल एक एक करके अपने दुश्मनों को तबाह करने में जुटा है। हालांकि ईरान जैसे देश इसराइल के इस मिशन की सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि ऐसे संगठनों को हथियार से लेकर पैसे तक ईरान मुहैया कराता है और इन संगठनों की ताकत बनने की कोशिश में लगा रहता है।